आयोजन को कैसे देखते हैं और आप लोगों ने जो इतने लंबे समय तक तपस्या करी, जो एक मेहनत करी, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, अयोध्या के साथ साथ पूरे देश और दुनिया के लिए एक ऐतिहासिक क्षण होगा जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी अयोध्या में लगभग 500 वर्षों की परीक्षा के परिणाम के साथ भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण की आधारशिला रखेंगे। ये हमारे लिए ऐतिहासिक क्षण भी है, भावनात्मक क्षण भी है और एक नए भारत के निर्माण की आधारशिला को रखने का अवसर भी है। इसी दृष्टि से आज यहाँ पर यहाँ के कार्यों का अवलोकन करने के लिए मैं स्वयं आया हूँ। देखने के लिए आयोजन श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास का है, लेकिन उस कार्यक्रम में बाहर की सुरक्षा, बाहर व्यवस्था आदि को निरीक्षण करने, देखने के दृष्टि से हम लोग यहाँ पर आए हैं। स्वाभाविक रूप से कहीं भी कोई कोताही न बरती दी जाए, ये हम लोगों ने पूरी तत्परता के साथ तैयारी की है। हर एक स्तर पर हर प्रकार की बातों को ध्यान में रख कर के कार्यक्रम को आयोजित करने और उस कार्यक्रम में सहभागी बनने का प्रयास हो रहा है। मुख्य फोकस है COVID-19 को ध्यान में रखकर COVID-19 के प्रोटोकॉल को मजबूती से लागू करना, और प्रशासन इस बात को ध्यान में रखकर के ही काम कर रहा है कि आज सायंकाल से ही, यद्यपि पहले से लागू है, लेकिन अयोध्या पुरी में आगमन के लिए वही लोग यहाँ पर आएँ जो आमंत्रित हैं। बाकी सभी श्रद्धालुजन, यद्यपि हरेक श्रद्धालुजन की, हरेक भारतीय की इच्छा होगी कि इस ऐतिहासिक क्षण के वे साक्षी बने, लेकिन 135 करोड़ लोगों की आकांक्षा के प्रतीक आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वयं हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी उन सबका प्रतिनिधित्व स्वयं करेंगे। इसलिए सभी से हमारी अपील है कि ट्रस्ट ने जिस प्रकार की व्यवस्था बनाई है, उस व्यवस्था के साथ ही हम सब जुड़े। जो भी लोग अयोध्या जी में आमंत्रित हैं कार्यक्रम में, वे लोग इस कार्यक्रम में भागीदार बनेंगे, उन महानुभावों के सुरक्षा और उनके आगमन की पूरी तैयारी यहाँ पर की जा रही है। सिर्फ सभी श्रद्धालुजनों से, सभी महानुभावों से हमारी अपील है कि वे लोग जहाँ हैं, अपने घरों में, अपने आश्रमों में, वे वहीं पर रहें। COVID-19 के कारण हम लोग हर एक को इस आयोजन में आने के लिए मुझे लगता है कि व्यवस्था नहीं दे पाएंगे। सीमित संख्या में जो अतिथि आमंत्रित हैं वही लोग इस कार्यक्रम में भागीदार बनेंगे, और से सबसे हमारी अपील होगी कि इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनने के लिए आवश्यक है कि हम 4 और 5 को अपने घरों में दीप जलाएं, धर्माचार्यगण देव मंदिरों को विशेष रूप से सजाएं, मंदिरों में दीपोत्सव का कार्यक्रम आयोजित करें, अखंड रामायण का पाठ करें और उन अपने सभी पूर्वजों को स्मरण करें जिन्होंने श्री राम जन्मभूमि के लिए अपना बलिदान दिया था। जो लोग अपनी आँखों के सामने श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण का सपना देखते देखते इस धराधाम से अपना शरीर शांत करके दूसरे लोक की यात्रा पे निकल गए हैं, उन सबका स्मरण करें अखंड रामायण के साथ और उन्हें अपनी श्रद्धांजलि शब्दों के साथ दें। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के प्रति अपनी श्रद्धा को व्यक्त करते हुए अपने पूर्वजों का स्मरण करें। मुझे लगता है कि इससे बढ़कर के दूसरा और कोई कार्य नहीं हो सकता है। COVID-19 के बाद हमारा प्रयास होगा कि हम श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के साथ मिलकर के प्रदेश के भी और देश के भी हर एक जनपद से व्यवस्थित रूप से श्रद्धालुजनों को अयोध्या में लाने के लिए एक व्यवस्थित कार्यक्रम तैयार करेंगे।
कोविड-19 से उभरने के साथ ही हम लोग इस कार्य योजना को लागू भी करेंगे, लेकिन यह देश के लिए, दुनिया के लिए एक ऐतिहासिक क्षण होगा और इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी हम लोग अपने घर या देव मंदिरों से बनकर के कर सकेंगे। और इस कार्यक्रम में सभी लोग जो मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादा है, जो अनुशासन है, उसका पालन करते हुए इस कार्यक्रम के प्रति अपनी भावनात्मक रूप से कार्यक्रम के साथ जुड़ें और ट्रस्ट के अभियान के को अपना एक सहयोग दे सकेंगे तो हमें भी काफ़ी इससे सहूलियत होगी। मैं सभी के प्रति इस ऐतिहासिक अवसर पर सभी श्रद्धालुजनों को हृदय से बधाई भी देता हूं, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति निश्चित ही अयोध्या में 500 वर्षों की एक लंबी प्रतीक्षा के बाद न केवल अयोध्या अपितु भारत की जन आकांक्षाओं को मूर्त रूप होते हुए हर एक क्षेत्र में देखने को मिलेगा। एक बहुत ऐतिहासिक क्षण है और हम सब के लिए गौरवशाली क्षण। सर, एक आखिरी सवाल बची है, आयोजन को लेकर सवाल खड़े कर रहे। दिग्विजय सिंह का कहना है कि राजीव गांधी जी इसका शिलान्यास कर चुके थे, कांग्रेस खुद चाहती है कि मंदिर बने, राजीव गांधी जी भी चाहते थे मंदिर बने, आप कैसे देखते? देखिए मैं 135 करोड़ जो भी लोग मंदिर के समर्थक हैं, वे सभी लोग श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, जिसे माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार गठित किया गया है, ट्रस्ट की भावनाओं के अनुरूप अपना योगदान दें, इस ऐतिहासिक क्षण पर नकारात्मक टिप्पणी न करें। हर एक व्यक्ति के इतिहास के बारे में और हर एक व्यक्ति के पुराने कृत्यों के बारे में देश और दुनिया जानती है, इसमें किसी को कुछ भी बोलने की आवश्यकता नहीं। हर एक व्यक्ति जानता है कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण का कार्य आज़ादी के तत्काल बाद श्री सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार के साथ ही प्रारंभ हो सकता था, लेकिन जब लोगों के लिए देश से महत्वपूर्ण सत्ता हो जाती है तो वे लोग अपने राजनीतिक सत्ता के लिए जनभावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं, समाज को जाति, मत, मजहब के आधार पर बांटते हैं। और निसंदेह इस बात का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया जा सकता है कि उन्होंने 2014 में चुनाव के पूर्व ही इस बारे में कहा, 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले, 2019 में लोकसभा चुनाव के पहले भी इस बारे में कहा था कि संविधान के दायरे में रहकर के श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त करेंगे। संविधान के दायरे में रह करके माननीय उच्चतम न्यायालय जो फैसला देगा हम उसका पालन करेंगे और फिर उसके अनुरूप आगे के कार्यक्रम को व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने का कार्य। लेकिन कांग्रेस को अपने इतिहास में झांकना चाहिए। कांग्रेस रामलीला जहां विराजमान रहे हैं, जो वास्तविक राम जन्मभूमि है, राम मंदिर का निर्माण वहां होना चाहिए, ये हम लोगों की देश की भावना ये थी। कांग्रेस वहां शिलान्यास नहीं चाहती थी, कांग्रेस विवाद का पटाक्षेप नहीं चाहती थी। और जब उच्चतम न्यायालय में मामला गया था तब कांग्रेस के ही एक नेता ने, तब उच्चतम न्यायालय ने एक एप्लीकेशन दी थी कि इस समस्या का समाधान 19 से पहले न होने पाए। 9 नवंबर 2019 की तिथि एक ऐतिहासिक तिथि है जब अयोध्या में से राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। उच्चतम न्यायालय की एक संसदीय पीठ ने, एक पूरे संवैधानिक पीठ ने सर्वसम्मति से 500 वर्षों से चले आ रहे एक विवाद का पटाक्षेप किया और मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। यह भारत की लोकतंत्र की ताकत को भी, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की ताकत को दुनिया को एहसास कराता है और न्यायपालिका की ताकत ने भी दुनिया को एहसास कराया है। क्योंकि बहुत सारे लोग धमकी देते थे कि अगर फैसला आया तो ये हो जाएगा हो जाएगा। मुझे लगता है कि 9 नवंबर 2019 की तिथि ने उन सब पर विराम लगा दिया, भारत की न्यायपालिका, भारत के लोकतंत्र की ताकत का एहसास करा दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयासों से आज यह शुभ दिन देश और दुनिया को देखने को मिल रहा है और हम सब अपने घरों में रहकर, अपने देव मंदिरों में रहकर,
आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करें और उनके संबोधन के अनुरूप नए भारत के निर्माण के लिए जो अभियान पिछले 5 वर्षों से 6 वर्षों से उन्होंने प्रारंभ किया है, राम राज्य की उस अवधारणा को, न जाति, न मत, न मजहब, सबका साथ सबका विकास की भावना के साथ हम कार्य करेंगे और यही राम का आदर्श है, उस आदर्श को मूर्त रूप देने के लिए भव्य राम मंदिर निर्माण की आधारशिला रखने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे हैं। यह हम सबके लिए सौभाग्य का अवसर है, एक गौरवशाली अवसर है। हर भारत गौरव की अनुभूति करे और इस कार्यक्रम को, पूरे कार्यक्रम की यहाँ से लाइव टेलीकास्ट होगा, उस कार्यक्रम को हम लोग अपने घरों में रह करके देख सकेंगे, अच्छा होगा और कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करेंगे। हम सबको इसका पालन करना चाहिए, यही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के प्रति हमारी श्रद्धा। अभी कह सकते हैं कांग्रेस के जो राम के नाम पर राजनीति है उसकी कोई जगह नहीं होगी। देखिए, कोई भी राम जन्मभूमि के मंदिर निर्माण से छद्म धर्म निरपेक्षता और जाति मत मजहब की राजनीति हमेशा के लिए समाप्त। निर्माण के साथ ही जाति धर्म मजहब को लेकर जो राजनीति होती आ रही थी वो समाप्त हो जाएगी, ये कहना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। आज अयोध्या पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निरीक्षण करने के लिए, तैयारियों का जायजा लेने के लिए, लेकिन यहां पर भी जिस तरीके से अयोध्या के मामले को लटकाया जा रहा था और इसका निर्णय नहीं आ रहा था उसे लेकर कांग्रेस पर कटाक्ष किया है कि कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि इस मामले का पटाक्षेप हो, लेकिन जो श्रेय है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। दो बड़ी बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कही गई है कि एक तरफ तो कोविड-19 को देखते हुए तमाम प्रोटोकॉल जो है वो हमें फॉलो करने होंगे और वजह यही है कि मैं यहां ये देखने आया हूं कि तमाम तैयारियां उस तरीके से है या नहीं। दूसरी बात कि भूमि पूजन जो होगा उसमें कोई कमी नहीं रखी जाएगी, भव्य भूमि पूजन होगा और सभी अपने घर में बैठकर इसे लाइव देख पाएंगे। तो आप सबसे अपील कि जिसे निमंत्रण नहीं मिला है वो अयोध्या ना पहुंचे।